आज सौभाग्य का दिन है। हिंदुत्व के पुरोधा, हिंदुत्व की आन बान शान की रक्षा करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन। हम तो एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के भाव से जिस तरह से आज मैं आह्लादित हूँ, जिस भाव से हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हिंदू एकजुट होकर यह जो सम्मान दिया है, निश्चित तौर पर जीवन इसी के लिए समर्पित है। हिंदू रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा, और हिंदुस्तान रहेगा तो हम सब हिंदू भाई एकजुट होकर इस राम राज्य की स्थापना की जो संकल्प हम सब लेकर चल रहे हैं वह पूरा होगा। और राम राज्य पर जो चर्चा आजकल हो रही है कि भगवान श्री राम का मंदिर अभी तक बना नहीं, राम राज्य कहाँ है, तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर आज हम इस अवसर पर कि बहुत जल्द भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। एन केन प्रकेन, चाहे जो स्थिति बने, भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। रात में 12 मैं सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि रात को 12 बजे आपका न्यायालय खुलता है, 2 बजे न्यायालय खुलता है, और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, और खिलवाड़ का यह ना उबाल आवे कि अपने आप हिंदू एक साथ झंडा डंडा लेकर खड़ा हो जाए और संकल्प ले। अभी न्यायालय का हम सब लोग सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हम सब लोग आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला आवे। इसी संकल्प के साथ आज हम सब यह कार्यकर्ता बंधुओं ने जिस तरह से आज हमको सम्मान दिया है, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि इनके विश्वास पर पूरा खरा उतरूँगा। चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो दूंगा, लेकिन इनके विश्वास पर पूरी तरह खड़ा होऊंगा। योगी आदित्यनाथ का शिष्य होने के नाते निश्चित तौर पर यह संकल्प आज हम सभी कार्यकर्ताओं के सामने ले रहे हैं, तो इस हिंदू युवा वाहिनी को पूरे प्रदेश और देश में आगे बढ़ाने का जो मिशन है, हिंदुत्व का मिशन है, आदरणीय उत्तर प्रदेश के प्रभारी जी का हमारे गुरु हैं आशीर्वाद है निश्चित तौर पर। और हमारे भगवान के रूप में राम, राम राज्य की शुरुआत तो हो ही गई, राम के रूप में पूज्य योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर उत्तर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए राम राज्य की शुरुआत तो हो ही गई है। बहुत जल्द राम, भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। सबका आशीर्वाद, आप सबका, मीडिया के सभी सम्मानित बंधुओं का आशीर्वाद से हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे। जिस तरह से आज सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई है, अपने अपने भाव दिखाया, निश्चित तौर पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी की राह पर ही चलकर अपने इस संकल्प को पूरा करूँगा।